अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी खबर देने वाला हूं कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त कह रहे हैं कि बाइनांस पाकिस्तान में बैन हो चुके हैं। नहीं नहीं दोस्तों, अभी बैन नहीं हुई है। ऐसी खबरें जितनी भी हैं बेबुनियाद हैं। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अंग्रेज़ भाई पैसा पाकिस्तानियों का निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है भाई। इनका अपग्रेड चल रहा है और जिसकी वजह से माइनिंग सिस्टम, मैंने आपको कल भी न्यूज़ ब्रेक की थी कि चाइना में जो है रोक दिया गया है। दो सौ एक्सचेंज जो थी वो बंद कर दी गई थी। इस वजह से माइनिंग का सिस्टम और बहुत सारा जो निज़ाम है बंद हो चुका है। बाकी आप दोस्त पैनिक ना हो, इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ कॉइन्स हैं जिनकी माइनिंग के रुकने की वजह से उनका ट्रेड मसला हो चुका है। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है कि बैन हो रही है, ये हो रही है, वो हो रहा है। अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है ये तमाम न्यूज़ गैर मुसद्दका हैं। आप पैनिक ना हो, शाम तक इंशाल्लाह मामलात क्लियर हो जाएंगे और आप देखेंगे कि तमाम जो वर्ल्ड है वो फिर से वैसे ट्रेड करेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि कल से BTC ने पम्प करना है। जिस दिन पम्प या डंप करना हो उस दिन मैं रोक देते हैं। जैसे पिछली दफ़ा 53K पे था, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा 15 मिनट बंद कर दी थी और उसके बाद पंप कर गया था। इसी तरह आज भी आप दोस्तों को बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा BTC पंप करने वाला है और इसकी मूव मेरे हिसाब से पंप किया है, इस वजह से इन्होंने ब्लॉक किया है। बाकी बाइनांस के मतलब जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं ये तमाम फेक हैं। दोस्तों पैनिक ना हो, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। जो ही मुझे कोई अपडेट बैन के मतलब मिलती है मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।